अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद फरहान और ये है आपका अपना चैनल कुक विद फरहान। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी बिरयानी। बहुत ही मज़े की आसान रेसिपी बनाने वाला हूँ और बजट में रहते हुए बिरयानी तैयार करेंगे, क्योंकि बिरयानी का नाम सुनते ही सबके मुँह में एकदम से पानी आ जाता। तो रेसिपी को आपने देखना आखिर तक। तो सीधा चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने ले ली थी एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई में जो है मैं डाल दूंगा यहाँ 1.5 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को डाल देंगे इसमें और ऑयल को कर लेंगे जी अच्छे तरीके से गरम। ऑयल को गरम होने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे जी प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये जो मैंने तैयार कर लिया था। यहाँ मैंने ली थी 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और 5 से 6 हरी मिर्च, और इनको अच्छे तरीके से मैंने इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। इस ऑयल में डाल देंगे इस पेस्ट को हम, और इस मिक्सचर की कर लेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई, जब तक जो है प्याज और मिर्च का जो कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। देखें जी अच्छे तरीके से हम कर लेंगे इसको मिक्स मिक्स कर लेंगे, और जैसे थोड़ा बहुत ऑयल अलग होना शुरू होगा इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच भरकर डाल दिया था, इसके भी कर लेंगे जी अच्छे तरीके से भुनाई। इसकी भुनाई अच्छे से करें ताकि जो लहसुन अदरक की जो कच्ची महक है वो खत्म हो जाए। फिर जी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम चिकन। चिकन जो है मैंने लिया था 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम मैंने चिकन लिया था। चिकन इस पॉइंट पे शामिल कर लेंगे और चिकन की भी कर लेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई। इसमें जो जब चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब तक इसकी भुनाई कर लेंगे, और साथ इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने लिए थे 4 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, और टमाटर डालने के बाद इनको कर लेंगे जी हम अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें जी जाएंगे स्पाइसी। स्पाइसिस में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगा नमक। नमक जो है यहाँ मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 2.5 चम्मच, 2.5 छोटे जो चम्मच है इसमें डाल देंगे। अब अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स, और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैंने यहाँ लिया था मेहरान का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे पैकेट 2 लिए थे, तो आप 1 पैकेट भी इसमें बड़ा ले सकते हैं। और इस मसाले को डालने के बाद जी हम इसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए दूसरा पैकेट भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही इसको कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। बिरयानी मसाला जो मैं यहाँ खुशबू और टेस्ट के लिए ऐड कर रहा हूँ, मसाला डालने के बाद जी कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स। और जो टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है हमारा थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, तब तक इसकी कर लेंगे अच्छे तरीके से भुनाई, और साथ ही इसमें बाकी स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें चला जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, और इसमें चला जाएगा पिसा हुआ धनिया, वो भी यहाँ इसमें डाल दूंगा मैं 1 चम्मच भरकर डाल दूंगा, और इसको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से हम मिक्स। साथ ही कर लेंगे जी हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई, और ये देखें जी मसाले ने जो ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। इस पॉइंट में मैं शामिल कर दूंगा इसमें आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा। इसमें 3 से 4 आलू बुखारा डाल देंगे, इससे भी जो थोड़ी सी खटास इसके अंदर आएगी, और इसको कर लेंगे जी हम अच्छे तरीके से मिक्स। और साथ ही मैंने पानी को जो है गर्म होने रख दिया था, और इसमें डाल देंगे 8 से 10 अदद लौंग, और इसमें डाल दूंगा मैं 3 जो है नमक, बड़े जो है खाने के चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और पानी को जो बॉयल होने के लिए रख देंगे। पानी हम बॉयल क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें हम चावल को अपने बॉयल कर सकें। साथ ही जो हम चिकन के अंदर इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे दही। दही जो है मैंने आधा कप दही लिया था, दही डाल देंगे और इसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई। दही जो है अपना पानी छोड़ेगी इसके अंदर, जो इसका थोड़ा सा मसाला हमने रहने देना, और बाकी जो है हम इस पॉइंट पे इसको फ्लेम को ऑफ करके रख देंगे। देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका मसाला तैयार हो चुका था, और ये जो है ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया। देखें जी इतनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है, और इसको रख देंगे साइड पे, और ये जो देखें पानी में आ गया था बॉयल। साथ ही जो मैंने चावल ये मैंने 3 घंटे पहले सॉक यानी कि भिगो कर रख दिए थे। चावल जो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ सेला चावल, और ये मैंने लिया है शॉर्ट ग्रेन यानी कि पोनी का चावल इसे कहते हैं। ये बजट राइस है, आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कुक होता है ये। चावल डालने के बाद इसमें डाल देंगे जी हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे, बाकी आपने इसको थोड़ा सा हमने जो कड़वाहट होती है नमक की वो इसमें रखनी है। पानी को चेक कर लेंगे हम, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे कि सिर्फ इसकी एक कन्नी रह जाए। चावल को कर लेंगे अच्छे तरीके से बॉईल। बॉईल आने के बाद ही फिर हम इसकी करेंगे लेयरिंग। देखिए जी मिक्स कर लिया इसको, चावल डाल दिया, चावल में हो गया था अच्छे तरीके से बॉईल, और चावल जो हमारा अच्छे से इसमें हो गया था कुक। अब बारी है इसकी लेयरिंग की। लेयरिंग के लिए जो हमने लेना एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसमें एक खुला पतीला ले लेंगे। सबसे पहले जो हमने सालन तैयार किया था उसमें चिकन अभी नहीं डालना, सिर्फ जो उसका मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे। अगर चिकन डल जाता तो उसकी चिकन जो हम निकाल लेंगे। पहली लेयर में जो सिर्फ इसका हमने मसाला डालना है, और फ्लेम को यहाँ हमने रखना है मीडियम। चिकन देखें जो निकाल लेंगे, और बाकी जो इसमें पहली लेयर जो है चावल के, हम हल्की सी एक एक लेयर लगा देंगे इसमें अपने राइस की। ये देखें जी चावल की लेयर इसके में लगा देंगे अच्छे से, जो है चावल को हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, और ये देखें चावल बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल हुआ था, और बाकी जो है चिकन सारा इस पॉइंट हम इसके अंदर अपना सारा जितना भी कुक किया हुआ हमारा चिकन था वो सारा इसमें हम शामिल कर देंगे।
ये देखें जितना भी हमारा जो चिकन बाकी रहेगा तो वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसको भी अच्छे तरीके से फैला लेंगे। और दूसरी तह जो हम इसमें लगा देंगे चावल की, देखें इसको जी फैला लें, अच्छे तरीके से फैला लिया था। फिर इसके बाद जो है बाकी हमारे राइस बच गए थे, वो सारे राइस जो इसके अंदर अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। ये देखें जी राइस को अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। बाकी ये हो जाएगी जी इसकी सेकेंड और फाइनल लेयरिंग। देखें चावलों को जो है अच्छे तरीके से इस पर फैला लेंगे ताकि जो हमारा चिकन बिल्कुल नजर ना आए। और ये देखें जी चावल मैंने अच्छे तरीके से फैला लिए थे, साथ ही इसमें जला लेंगे जी येलो फूड कलर और इसको अच्छे तरीके से इसमें स्प्रेड कर लेंगे। अब इसकी बारी है जी दम लगाने की। सबसे पहले जी इसे 2 मिनट तक जो मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको हम कुक कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट का। देखें जी 20 मिनट के बाद मैंने जैसे ही इसका दम खोला था और माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका जो है ये चावल हमारा राइस कुक हो चुका था। अब बारी है जिसको थोड़ा सा जो है हम इसकी स्टीम को निकलने देंगे जो स्टीम से बनी थी और बाद में इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे जी मिक्स। ये देखें जी ये चावल को जब हम करेंगे मिक्स और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर आया और बहुत ही आसानी से और बजट में रहते हुए बिरयानी हमारे बिल्कुल रेडी हो गई। कोई इसमें ज़्यादा हमने मसाले इसमें नहीं डाले और बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। जल्दी से ये बिरयानी तैयार हो जाती है। कोई भी अगर मेहमान ना भी आए तो आप घर में बिरयानी खाने का दिल करते तो आप फटाफट इसको आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से और ज़बरदस्त बिरयानी जो है ये तैयार हो जाती है। अब आ रही है जी इसको डिश आउट करने की। डिश आउट कर लेंगे एक बहुत ही प्यारी सर्विंग डिश के अंदर और ये हम बिरयानी को निकाल लेंगे। गार्निशिंग के लिए आप इसमें धनिया डाल सकते हैं, साबुत मिर्चा डाल सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, जो हम एक रेसिपी जो होती है बिरयानी की प्रॉपर कैसे होती है वो हम इसके अंदर बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द बनाएंगे। तो ये है जी हमारी रेसिपी आज की। अब चलते हैं जी इसकी फाइनल लुक की तरफ। उम्मीद करता हूँ जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक दुआओं में याद रखिएगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।